मेरा नाम सर शाहिद है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर का भी और अकाउंट्स का भी। मैं हाल ही में यूँ समझिए कि कुरान पाक की तरफ रुजू किया मैंने और उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक अजीब सी बात ये आ रही है कि इतना ज़्यादा मैटर मौजूद है कुरान पाक को समझने के लिए भी कि उसके कोई बुनियादी असूल समझ में नहीं आ रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग उसको कैसे करनी चाहिए, स्टेप वाइज किस तरह उसको समझना चाहिए, आया कि नाजरा उसको करना चाहिए, अहादीस से उसको समझना चाहिए या कैसे। क्योंकि अगर हम अहादीस को भी उठा लेते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ उलामा कहते हैं जी कि अहादीस के बारे में भी यह है कि कुछ ज़ईफ़ हैं या हसन हैं या इसका मतलब किसी ख़ास वक्त के लिए था, तो एक अजीब सा मतलब के जहन के अंदर एक वो तलातुम हो जाता है कि आदमी करे क्या करे, किस तरीके से उसको मतलब के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे कि वो एक सीधी राह के ऊपर आ जाए कि उसे कुरान पाक की बुनियादी जो तालीमात हैं उनके ऊपर चल के कम लेकिन कामिल इल्म को हासिल कर सके। कुरान मजीद की तरफ आपका रुजू हुआ है, तवज्जो हुई है, इसको अल्लाह का बहुत बड़ा फजल अपने ऊपर समझिए, और जब अल्लाह का फजल हो तो फिर उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए अल्लाह के जनाब पे। मैं आपसे एक अजीब बात कह रहा हूँ, शायद आपको बहुत वो नई सी लगेगी। कुरान को ऐसे पढ़िए जैसे बद्दू पढ़ते थे। बद्दू न फलसफी थे, न मंतकी थे, न साइंसदान थे, न अभी हदीसें उनके पास थी, न अभी फिका मुरतब हुई थी। वो क्या था, अरबी जबान ये उनकी अपनी थी। तो शर्त अव्वल जो है कुरान मजीद को समझने के लिए वो अरबी जबान का सर्फ और नहफ सही सही जानना ये लाजिम है। फिर कुरान के मतन ही को असल समझिए। अलबत्ता ये है कि इसको आप समझे कि ये पहला मरहला है कुरान पर गौर का, कुरान पर फिक्र का, कुरान पर सोच का। इसके बाद अगले मराहिल भी आएंगे, इसी कुरान से फिर कवानीन जो है वाकस होने हैं। अच्छा, इसमें बाद से वाकयात ऐसे हैं कि जो तो एक तारीखी हैसियत रखते हैं। अब उनमें उस वाक़े के ज़िमन में तफसील में कहीं कोई इख्तलाफ हो गया तो कोई हर्ज वाक़ नहीं होता। अभी मैं मिसाल दिया करता हूँ कि मैं चंद जुमले अभी आपके सामने यहाँ अदा करूँ और फिर 10 मिनट के बाद पूछा जाए आपसे, तो हर शख्स जो है उसको कहेगा, वो जवाब जो मेरा देगा वो मुख्तलिफ होगा उसका, उसमें उसकी अपनी बात भी शामिल हो जाएगी, और सोच मेरी बात सुनते हुए भी जो उसका सब्जेक्टिव माइंड है वो उसके अंदर उस वक्त हाजिर होगा, वो उससे उसको ना कोई नतीजा उस खुद अपने उस सब्जेक्टिव माइंड के हवाले से हासिल करेगा, वो बयान करेगा। तो इन चीज़ों में अहादीस में अगर कोई इख्तलाफ भी हो जाए तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे यहाँ ये जुमे के इज्तिमाआत में हदीस जिब्राइल जो उम्मुस्सुन्ना कहलाती है, जैसे सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है, ऐसे हदीस जिब्राइल उम्मुस्सुन्ना है, सुन्नत की जड़ और माँ। अब उसकी जो रिवायात आई है उसमें मुख्तलिफ इख्तलाफ है, अल्फाज का इख्तलाफ है, एसेंस एक है, मफहूम एक है, अल्फाज में बड़ा फर्क है, तफासिल का फर्क है। तो इस हवाले से उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर यह कि फिक्री मामलात के अंदर इख्तलाफात हो गए वो भी नेचुरल है। आपको मालूम है कि एक ही मुकदमा होता है, 8 जज बैठे हुए हैं एक बेंच पर, 5 का फैसला एक है, 3 का एक है, और भी तकसीम हो सकती है। कानून वही है, और ये मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, वहाँ पे तो जाहिर बात है वो नए बयानात नहीं लिए जाते, वो जो भी फाइल है वो तो बहुत पहले से तैयार हो चुकी है, उसके ऊपर बहस होती है, सिर्फ उसी से अखज़ किया जाता है, मतलब उनका वही रहता है, उसके अंदर तब्दीली नहीं हो सकती, उस मौके पर कोई नई गवाही नहीं आती। तो इस एतबार से इन चीज़ों पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता आप आगाज़ जिस तरीके से करें वो मैंने आपको बता दिया है, उसमें ये कि आप असल में इन तमाम जो चीज़ें हैं इजाफी उनसे ज़रा सरफ़े नज़र करते हुए आर्जी तौर पर पहले कुरान को ऐसे पढ़िए जैसे बद्दू पढ़ता था। और वही बात थी कि बद्दू फिर जिस तरीके से मोटिवेट हुआ है, बद्दू से मुराद मैं सहाबा को आमतौर पर लफ्ज़ दे रहा हूँ, उनकी इसके लिए वो न समझिए कोई तौहीन की बात है, मतलब ये कि मैं इस बारे में कह रहा हूँ कि वो लोग फलसफी नहीं थे, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बल्कि उम्मत का नाम ही है ये जो है उम्मीयीन, अनपढ़ लोग, अनपढ़ अनलेटर्ड वन, हुजूर की निशान भी यही है, उम्मी है।
تو انہوں نے قرآن کو جس طور سے سمجھا ہے وہ ہے بہترین طریقہ قرآن کو سمجھنے کا, اور اسی سے پھر وہ صحیح موٹیویشن ہوتی ہے کہ انہوں نے تن من دھن سب لگا دیا اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا. بحثوں میں پڑھ کر اور وہ جو باریکیوں میں پڑھ کر اور بال کی کھال اتار کر اور منطقی طور پر تجزیہ کر کے اور فرام احادیث کے تقابل کے اس میں پڑھ کر علم کا تو اضافہ ہوگا, لیکن وہ انسپیریشن اور موٹیویشن جو ہے وہ اس کے اندر نہیں رہے گی. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے. جزاک اللہ.